इस वीडियो में ये समझेंगे कि क्या अभी भी कोई संभावना है कि बीएड वालों को ईटीटी लेवल के लिए 1 से 5वीं क्लास तक टीच करने के लिए एलिजिबल कर दिया जाए, उनको उस कंपटीशन में शामिल कर दिया जाए। तो पिछली वीडियो में तो ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने राजस्थान के इस डिसीजन को राइट कहा है कि वो अगर नहीं चाहते तो उन पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि वो सिर्फ 1ली से 5वीं क्लास के बच्चों को टीच करने के लिए सिर्फ ईटीटी वाले या बीटीसी वाले या डीएलएड वाले ही शामिल हों। तो यहाँ पर एक और मुद्दा सामने आता है, क्या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वहाँ पर भी ये ऐसे ही लागू होगा, वेदर दिस डिसीजन इज सेंट्रलाइज्ड और नॉट सेंट्रलाइज्ड। तो इस पर में एक नई बात ये सामने आई है। पहले ये समझ लें कि पिछले जो डिसीजन है, जो कोर्ट का बात की है हमने, उसमें हुआ क्या है। उसमें हुआ है कि एनसीटी ने 28 जून 2018 को जो डिसीजन दिया था वो ऐसे हुआ कि इम्पोज किया है, जैसे डिक्टेटरशिप होती है ऐसे इम्पोज किया गया है। मतलब कि राजस्थान गवर्नमेंट से पूछा नहीं गया, उनसे एनालिसिस नहीं करवाया गया। लेकिन जो अब वीडियो ये इस वीडियो में ये क्या सामने आ रहा है कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट चाहे तो वो बीएड के कैंडिडेट को ईटीटी के कंपटीशन में शामिल करवा सकती है। इसमें उल्ट हुआ था कि एनसीटी ने कह दिया था कि कोई भी जो बीएड वाले हैं वो ईटीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन 6 मंथ का कोर्स, विज कोर्स उनको 2 साल की अपॉइंटमेंट जो होती है उसके बीच में करना होगा। लेकिन ये डिसीजन राजस्थान गवर्नमेंट को मंजूर नहीं था, दैट इज वाई राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के इस डिसीजन का फेवर किया कि वो बीएड वालों को ईटीटी के कंपटीशन में शामिल नहीं कर देंगे। इससे सारा क्या साबित होता है कि पावर अल्टीमेटली स्टेट के पास है और ये बात साफ है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अब जो सामने आ रहा है कि अगर स्टेट चाहेगी तो वो बीएड वालों को ईटीटी के डीएलएड के कंपटीशन में शामिल कर सकती है, उनको टीईटी के पेपर 1 का फायदा दिया जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये गाइडलाइंस देने किसने हैं, आरटी एक्ट 2009 ने। तो इसमें रोल किस किस का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, एनसीटी का भी है, आरटी एक्ट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। पर प्रोसेस यो है, ये एरो जो डाउनवर्ड आ रहा है ये एरो अपवर्ड जाएगा। मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है, अगर उसको लगता है कि बीएड ईटीटी वाले कैंडिडेट सफिशिएंट नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो सजेशन दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करना है, टीचर चाहिए और टीचर ईटीटी वाले अवेलेबल नहीं है या ट्रेनिंग नहीं है या टीईटी पास नहीं कर सके, तो गवर्नमेंट इच्छा रख सकती है कि वो बीएड वालों को ईटीटी की साथ या उस उन पोस्ट के लिए अप्लाई करने की प्रोविजन दे दे। ये कैसे होगा कि स्टेट गवर्नमेंट सिफारिश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद वो डिसीजन नहीं दे सकती, वो कहेगी एनसीटी को, फिर एनसीटी से परमिशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल के लिए उस स्टेट को अलाउ कर सकती है कि वो बीएड वाले एलिजिबल कैंडिडेट को ईटीटी के साथ कंपीट करने के लिए कह दे। अगर ये बात सत्य है, वो देख लेते हैं, अगर ये बात सत्य है इट मींस कोई स्टेट अगर चाहेगा अभी भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ऑन द बेसिस ऑफ आरटीई एक्ट 2009 वो बीएड वालों को 5 साल के लिए, ये प्रोविजन 5 साल तक हो सकती है, 5 साल तक ये रिलैक्सेशन दी जा सकती है। उस रिलैक्सेशन में बीएड वाले ईटीटी का कंपटीशन लड़ सकते हैं। कोई भी स्टेट कब करेगी, जब उसके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट ईटीटी के कैंडिडेट
कम है। इस कोस में को इस केस में कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दखल देके एनसीटी के डिसीजन को क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि यहां पर एनसीटी ने गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा नहीं, उसकी मर्जी नहीं पूछी, अपनी मर्जी की। नॉर्मली प्रोविजन तो यह है कि अपनी मर्जी से भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन वो कंडीशंस देखेगी, उसको बेटर कंडीशन को जस्टिफाई करती है तो वो बीएड वालों को ईटीटी के साथ कंपीट करने के लिए अलाउ कर सकती है 5 साल के लिए। अगर यहां पर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के पास लगभग 9000 के करीब है, ये लगभग है। अब अगर पीएसटेट कैंडिडेट्स का क्लियर हो गया होगा तो 9000 से ये बढ़कर 10000, 11000 इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। वैसे जिनसे मैंने एनालिसिस कराया है उन्होंने तो ये कहा है कि 9000 से कम ही होंगे। चलो हम मान के चल जाते हैं कि 9000 या 10000 कैंडिडेट हैं, और मान लीजिए 10000 ही जो नई गवर्नमेंट है, जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के टीचर की डिमांड करता है, मतलब पीआरटी प्राइमरी टीचर की डिमांड करते हैं, और यहाँ पर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है कंपीट करने के लिए। इस सिचुएशन में पंजाब गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है, ये रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकती है कि ऐसे सिचुएशन है, एप्लीकेंट हमारे पास कम है, पोस्ट ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन काइंडली 5 ईयर के लिए मैक्सिमम है ना, काइंडली हमें बीएड वालों को ईटीटी के इस कंपटीशन में शामिल करने की इजाजत दी जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीटी से परमिशन लेके ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट फिर बीएड वालों के लिए जब एडवर्टाइजमेंट देगी उसमें बीएड वालों को शामिल होने नीति बना सकती है। अच्छा, ऐसा कुछ हो भी चुका है यूपी में 2 बार, एक बार तो अभी जो कानून इन 4 दिनों में बना है, और दूसरा 2011-12 में जो लगभग 72000 के करीब पोस्ट निकली थी और ईटीटी के एलिजिबल कैंडिडेट कम थे, तो तब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करवा के अलाउ करवाए थे, और बीएड वालों ने ईटीटी के साथ कंपटीशन लड़ा था, जॉब भी ली। हाल की बात ये है, तब ये जो 2018 वाला जो गजट में इंट्रोड्यूस किया गया था एनसीटी की तरफ से, वो शामिल ही नहीं था, वो आया ही नहीं था, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, इन दिनों में यूपी गवर्नमेंट ने, ये न्यूज मेरे सामने आई है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये है सामने आपके, जागरण जोश है मेरे पास, और ये न्यूज है, इसका मेन हेडिंग है क्या है, बीएड डिग्री होल्डर्स कैन बिकम पीआरटी इन यूपी डिसीजन मेड बाय यूपी कैबिनेट, बीएड डिग्री होल्डर्स इन यूपी विल नाउ बी एबल टू बिकम प्राइमरी टीचर, हाउएवर सच टीचर्स हैव टू कंप्लीट 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन प्राइमरी एजुकेशन विद इन 2 ईयर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ये वही है जो एनसीटी ने कहा है, और क्या ये हुआ है या नहीं हुआ है, इन द कैबिनेट मीटिंग द अमेंडमेंट वॉज अप्रूव्ड इन द यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर रूल्स 1981, आफ्टर विच द बीएड डिग्री होल्डर्स ऑफ द स्टेट जूनियर बेसिक स्कूल क्लास 1 to 5 विल नाउ बी एबल टू बिकम प्राइमरी टीचर, हाउएवर सच टीचर विल हैव टू कंप्लीट 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन प्राइमरी एजुकेशन विद इन 2 ईयर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट इन द स्कूल। टिल नाउ होल्डर्स ऑफ बीएड डिग्री कुड अप्लाई ओनली इफ दे हैव क्वालिफाइड द टीईटी और दे हैव 2 ईयर डीएलएड बीटीसी फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नाउ द ऑर्डिनरी बीएड डिग्री होल्डर कैन आल्सो अप्लाई फॉर असिस्टेंट टीचर पोस्ट। तो ये विरोध जो है, विद द अमेंडमेंट इन द रूल सम सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, देयर हैव बीन मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट ओवर दिस डिसीजन इन ए कोर्ट केस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 69,000। तो ये पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट भी देखिए, पंजाब में कितनी पोस्ट निकलती हैं आपको पता है। इसके अलावा ये तो प्रेजेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, इमीडिएट ये एक्शन आ गया है। यहां पर आप सेक्शन खुद भी फिल करके देख सकते हो, सेक्शन 23 ऑफ राइट टू चिल्ड्रन एंड फ्री एजुकेशन एक्ट, जो जिसको आरटीई एक्ट 2009 बोलते हैं, उसका जो सेकेंड
23rd का सेकंड, वेयर ए स्टेट डज नॉट हैव एडिक्वेट, ये क्या है आरटीकी एक्ट में जो पहले से प्रोविजन दी गई है कि ऐसी कंडीशन में स्टेट डिसीजन ले सकती है कि उसने दूसरे जो हायर क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको अलाउ करना है प्राइमरी टीचर के लिए. वेयर ए स्टेट डज नॉट हैव एडिक्वेट इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग कोर्स एंड ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टीचर डाइट्स या जो ईटीटी कराने वाली इंस्टीट्यूट कम है, है ना, नेचुरली के ईटीटी भी हो गई या डीएलएड भी हो गया, बीटीसी भी हो गई, लेकिन टीईटी भी पास करना है. टीईटी पास करके कितने टोटल नंबर बनते हैं ये बात बनती है. और टीचर पोजेसिंग मीनिंग क्वालिफिकेशन एज लेड अंडर सब सेक्शन 1 आर नॉट अवेलेबल इन सफिशियंट नंबर, नॉट अवेलेबल इन सफिशियंट नंबर. फॉर एग्जाम्पल जैसे 72,000 की बात की है, 69,000 की है, और पंजाब की भी यहां बात की है कि 9,000 कैंडिडेट शायद इससे कम ही हो, तो वो डाटा और कलेक्ट करके आपको बता दूंगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट डीम नेसेसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट डीम नेसेसरी, अगर उसको ठीक लगेगा, बाय नोटिफिकेशन रिलैक्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर फॉर सच ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years से ज्यादा नहीं होगा, एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड दैट ए टीचर हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट डज नॉट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन अंडर सब सेक्शन 1 शैल एक्वायर सच मिनिमम क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years. तो एक ये संभावना है, तो इट मींस के जो डिसीजन है टोटल नेगेटिव नहीं है. वैसे भी जिंदगी तभी जी जाती है अगर पॉजिटिव देखना आता है. दूसरी बात, उससे बेहतर जिंदगी कौन जीता है जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख लेता है. तो इतनी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, इतनी ज्यादा जो है कि आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख सको उसके लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है. ऊपर जाने के लिए ऊपर वाले से जुड़ना पड़ता है, वो बातें चलो जिंदगी की है. तो यहां पर है कि आप अगर बीएड का डिसीजन अच्छा कुछ भी ले चुके हो तो डिस्टर्ब होने की बात नहीं है. कम से कम आपके लिए बीएड का कंपटीशन तो है. बीएड के मैं फिर कह रहा हूं कि 2-3 साल तक स्टूडेंट्स ये सोचते ही नहीं है कि जॉब के लिए फाइट करना है. मैं कह रहा हूं 2 साल में, मैं बताता हूं कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 2 साल में करना क्या है. अगर अभी से मान लीजिए 20,000 बच्चों ने पंजाब में एडमिशन लिया है, इस साल 20,000 से शायद ज्यादा भी हो जाए, 20,000 में से शायद ही 1,000 बच्चे हों जो शायद ये वीडियो देखने के बाद, अदरवाइज शायद 100 ही होंगे सच में हैं कि जो सच में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने टीईटी साथ में ही करना है और सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करनी है और उसके लिए इनपुट भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, डेडिकेट भी होते हैं. तो अगर आप अभी से शुरू कर दोगे, अभी से प्लानिंग करोगे और थोड़ा थोड़ा लड्डू खाते रहोगे, बाद में बड़ा लड्डू खाना डिफिकल्ट होता है ना. आप सारे साल की जो वीट है, चावल है, एकदम नहीं खा सकते. अगर एक एक चपाती खा रहे हो तो वेरी इजी हो जाता है. ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि आप टीईटी के लिए और सिलेक्शन टेस्ट के लिए अभी से एक एक चपाती खाना शुरू कर दो. तो बेशक ये रूल कोई भी बने, पंजाब गवर्नमेंट अलाउ करे ना करे, आप अपने हक हलाल की लड़ाई और कमाई के लिए चलते रहो. थैंक यू.